आज जो जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है वाघा बॉर्डर। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। सरहदी क्रॉसिंग का नाम वाघा गांव से लिया गया है, जिसके करीब रेड क्लिफ लाइन बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने वाली सरहदी हदबंदी लाइन खींची गई थी। वाघा बॉर्डर लाहौर से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसके महले वकू और ट्रैफिक की सूरत हाल पर मुनसिर है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के ज़रिए वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंचने में तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं। तकसीम हिंद के तकरीबन 2 माह बाद ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह चोपड़ा ने 11 अक्टूबर 1947 को इसका क़याम अमल में लाया। वाघा बॉर्डर एक ऐसी सरहद है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ये एक दूसरे के तई ममालिक के रवैये की नुमाइंदगी करता है। वाघा बॉर्डर पर एक परेड रखी जाती है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, और वाघा का दौरा करने की वजह यह है कि इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर बैटिंग बॉर्डर तकरीब कहा जाता है। ये तकरीब हर शाम गुरूब आफ्ताब से कबल दोनों अतराफ के फौजियों की तरफ से एक शानदार परेड के साथ शुरू होती है, और दोनों ममालिक के झंडों को मुकम्मल तौर पर मरबूत तौर पर कम करने के साथ ख़त्म होती है। तकरीब का वक्त शाम 4:15 बजे मौसम सरमा में और शाम 5:15 मौसम गर्मा में है, और दाखिला तकरीबन 3 बजे शुरू हो जाता है। तमाम नशिस्तें पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दस्तयाब होती हैं। कोई एंट्री पास या टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। वाघा बॉर्डर तकरीब, जिसे बैटिंग रेटियोरेट तकरीब के नाम से जाना जाता है, इसका आगाज़ 1959 में हुआ था और इस पर दोनों ममालिक की हकूमत ने इत्तफाक किया था। ये दोनों कौमों के दरमियान रकाबत के साथ साथ दोनों कौमों के तावुन और भाईचारे की अलामत है। जहाँ तक वाघा बॉर्डर की तकरीब का ताल्लुक है, तो इसे पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान अंजाम देते हैं, जो पसे मंजर में हुब्बुल वतनी के नगमे बजाते हुए एक बड़े मजमे के सामने मार्च करते हैं। तहम ये धूमधाम और बहादुरी के शो से कहीं ज़्यादा है। अगरचे परेड इंतहाई दिल लगी की है और इसमें शिरकत करने वालों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को फ़रोग मिलता है, लेकिन ये तकरीब दरअसल दोनों ममालिक के माबीन दुश्मनी और भाईचारे दोनों की अलामत है, क्योंकि दोनों ममालिक के फौजी परचम उतारने की तकरीब के बाद सरहदी गेट को बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने से पहले एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। मुतासिर कुन परेड शहरियों को हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़ के लिए फ़ौज की कुर्बानियों की भी याद दिलाती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार लाहौर के तारीखी वाघा बॉर्डर का दौरा ज़रूर करना चाहिए। हकीकत में यहाँ तक कि अगर आपके पास लाहौर में खर्च करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आपको इस सरगर्मी को अपने सफ़र के प्रोग्राम में शामिल करने की ज़रूरत है। वाघा बॉर्डर पर बैठने की जगह को मर्द, ख़वातीन और VIP इनक्लोजर के 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको मिसाली तौर पर परेड शुरू होने से 1 घंटा पहले इस मुकाम पर पहुंचना चाहिए। इख्तिताम हफ्ते के दौरान ये कोशिश करनी चाहिए कि तकरीब से कम अज़ कम 1.5 घंटा पहले वाघा बॉर्डर पहुँच जाएँ, क्योंकि इसमें इंतहाई भीड़ होती है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मशहूर परेड देखने और पाकिस्तान को भारत से अलहदा करने वाले गेट के सामने तस्वीर लेने के अलावा ज़ायरीन अहाते के इर्द गिर्द थोड़ी देर चहलकदमी भी कर सकते हैं। ज़ीरो लाइन की निशानदेही करने वाली सफ़ेद रस्सियों के साथ चलते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को सरहद के इस तरफ सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़े देखा जा सकता है। कायदे आज़म पार्क के नाम से मशहूर बैठने की जगह के साथ साथ खूबसूरत बाग में एक दीवार भी है, जिसमें निशान हैदर से नवाजे जाने वाले तमाम शोदा के नामों, तस्वीर और कारनामों की इकासी की गई है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी बहादुरी का अवार्ड है, जिसका उर्दू में लफ्जी तर्जमा शेर की इलामत है। गैर मामूली बहादुरी और जुरत का मुजाहरा करने पर अब तक 10 शहीदों को ये एजाज़ दिया जा चुका है। ताहम वाघा बॉर्डर पर सबसे बड़ा पुरकशिश मुकाम पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से खोला गया शानदार आज़ादी म्यूज़ियम है, जो हर रोज़ परेड से पहले बड़ी तादाद में ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इसका इफ्तिताह 2017 में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साबिक डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल उमर फारूक बुरकी ने किया था।
बाबे आज़ादी से करीब फासले पर वाकया आज़ादी अजायब घर में ना सिर्फ पाकिस्तान रेंजर्स की तारीख और तहरीक पाकिस्तान के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की तस्वीर पेश की गई हैं, बल्कि ज़ायरीन को अपनी मीडिया लाइब्रेरी के ज़रिए हमारी कौम की तारीख के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की भी सहूलत फराहम की गई है। अगरचे लाहौर में बहुत सी मशहूर अजायब घर मौजूद हैं, लेकिन ये ख़ास अजायब घर तारीख के तमाम शायकीन के लिए लाजमी दौरा है। लाहौर वागा शटल ट्रेन हाल ही में पाकिस्तान रेलवे ने 22 साल के तवील वक्फे के बाद लाहौर वागा शटल ट्रेन के रोज़ाना के ऑपरेशन को बहाल किया है। रेलकार के नाम से मौसूम ये शटल वागा बॉर्डर पर हुब्बुल वतनी की तकरीब देखने का इरादा रखने वाले सयाहों को बगैर किसी परेशानी के सफ़र की सहूलत फराहम करती है। शटल रोज़ाना की बुनियाद पर वागा बॉर्डर के 3 चक्कर लगाती है और जल्लो पार्क, मुगलपुरा और हरबंसपुरा स्टेशनों पर रुकती है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने 3 मुसाफिर कोचेज़ की तजयन आरइश की है। मजमू तौर पर यह एक वक्त में तकरीबन 181 अफराद को ले जा सकती है। लाहौर वागा शटल का किराया 30 रुपये फ़ी मुसाफिर है। तो नाज़रीन, ये थी लाहौर वागा बॉर्डर की मुख्तसर सी तारीखी और जुग्राफियाई मालूमात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत